देहरादून के नगर निगम अब सख्त होता नजर आ रहा है। नगर निगम की ओर से कैंट दो गाड़ियों को पकड़ा गया जो अवैध रूप से डंपिंग जोन में कूड़ा डाल रहे थे। वहीं स्वास्थ्य नगर अधिकारी अविनाश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त से ही कैंट बोर्ड को और अन्य लोगों को भी सूचित कर दिया गया था कि अब वह नगर निगम के डंपिंग जोन में अपना कूड़ा नहीं डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी खबरें मिल रही थी कि हमारे क्षेत्र में कूड़ा डाला जा रहा है, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए 2 वाहन पिछले दिनों रंगे हाथ पकड़े जिनको सीज कर दिया गया था। 1 अगस्त से ही जो है हम लोगों के द्वारा जो है अगस्त के महीने से इस गाड़ियों कैंट बोर्ड को भी और अन्य लोगों को जो है जिसमें हरबतपुर भी है, विकास नगर भी है, इन लोगों को सबको अवगत करा दिया गया था कि 1 सितंबर से पहले जो है इन लोगों के सबकी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। अब जो है कूड़ा यहाँ पे हमारे यहाँ निस्तारित नहीं होगा शीशमबाड़ा में, परंतु उसके बाद भी जो है इन लोगों के द्वारा बार बार खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं कूड़ा जो है हमारे क्षेत्र में गिराया जा रहा है, जिसमें 2 वाहन इनके जो है पिछले दिनों जो है हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़े थे कि कारगी में जो गिराने आए हुए थे जिन्हें सीज कर लिया गया था।